आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। तो डॉक्टर चौहान, सर्दी खांसी में कौन से फल हमें खाने चाहिए और कौन से नहीं, बताइए। देखिए, सर्दी खांसी यानी कि आपको कोल्ड हुआ है, कफ हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि ठंडी चीज़ें नहीं खाएंगे। लेकिन आम तौर पर जो फ्रूट्स होते हैं वो सारे फ्रूट्स अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें जो है आपको क्या मिलेगा, उनमें विटामिन्स मिलेंगे, उनमें आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इजीली डाइजेस्टेबल हैं, फाइबर भी होता है, तो अच्छे होते हैं फ्रूट्स सभी। मोस्टली जो है पपीता खा सकते हैं आप, सेब खा सकते हैं, अंगूर खा सकते हैं, अच्छा ऑरेंज है मीठा वो सेवन कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ भी अच्छी होती हैं उसमें विटामिन सी होता है, अमरूद का सेवन कर सकते हैं, कीवी भी खा सकते हैं, आजकल कीवी फ्रूट भी मिलता है भारत के अंदर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि सीजनल फ्रूट खाना है, जो सीजन में मिल रहा है, अमरूद मिलता है तो अमरूद भी खाइए, चीकू मिलता है चीकू खाइए, लेकिन ध्यान रहे कि आपको फ्रूट के जूसेज नहीं निकालने, फ्रूट खाना है। और पैकेट वाला जो जूस है वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना है आपको। और अगर हम ये कहें कि कौन से फ्रूट का सेवन ना करें, तो उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत फ्रोजन चीज़ें होती हैं ना, कई बार फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं या फ्रिज में से ठंडा निकाल के आपने कुछ खा लिया, वो नहीं खाना चाहिए। केला थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं केला, क्योंकि थोड़ा म्यूकस फॉर्मिंग होता है, तरबूज भी थोड़ा कूलिंग हो जाता है कई बार। तो बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट्स का सेवन हमेशा अच्छा रहता है, हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, आसानी से पच जाता है और किसी प्रकार के इसमें दोष नहीं होते, न्यूट्रिशन काफ़ी होता है। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी हमें देने के। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 01294040404। अगर सेहत से जुड़े आपके भी कोई सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jeeva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jeevaayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना ना भूलें और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jeevaayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।